हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गौरव वधवा है और मैं टववाली के गांव सुकेरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा का निवासी हूं। मेरा सिलेक्शन LIC ADO के पद पर दिल्ली डिवीज़न से हुआ है और इसकी सफलता का पूरा श्रेय मैं अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ साथ पवन सर पुनीत सर को देना चाहूँगा और पूरी धींगड़ा क्लासेस की टीम को देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन से जिनके विश्वास से और जिनके प्रेरणा से ही मैं इस पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला जिसने एक अच्छी बुनियाद का काम किया मेरी इस सिलेक्शन में। मैंने सर से काफ़ी कुछ सीखा, सर ने पर्सनली भी मेरी काफ़ी हेल्प की कि कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई और भी। सर काफ़ी सर का जो मिलनसार एक व्यक्तित्व है बड़ा ही मुझे पसंद आया। मैंने सर से बैच पूरा करने के बाद हमेशा अपना प्रयास करता रहा, काफ़ी मेरा प्री मेरे काफ़ी पेपर क्लियर हुए पर मेंस में मेरा हमेशा रह जाता था कुछ नंबर की वजह से। मैंने एक दो इंटरव्यू भी दिए पर मेरा मेंस फाइनल सिलेक्शन का हो नहीं पा रहा था, पर मैं इसकी लगा रहा एक विश्वास के साथ कि एक जो लक्ष्य बनाया मैंने अपनी लाइफ के अंदर कि गवर्नमेंट जॉब ही लगना है मुझे और मैंने प्राइवेट कुछ नहीं करना, तो उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मैं हमेशा अपने अंदर हौसला बनाए रखा कि हाँ एक दिन ज़रूर होगा, करना है तो गवर्नमेंट जॉब एक दिन ज़रूर लगूँगा। करता रहा और सर का मेरे को गाइडेंस हमेशा मिलती रही, मैं लगकर तैयारी करता रहा और एग्ज़ाम्स देता रहा, कभी हौसला नहीं छोड़ा और अलग अलग पेपरों के अंदर मैं हमेशा प्री और मेन दोनों करता रहा पर फाइनल सिलेक्शन में नहीं पहुंचा। इसलिए आज मेरा इस तरह करते करते आज मेरा सिलेक्शन हो ही गया। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसी तरह मैंने भी हमेशा कोशिश अपनी जारी रखी और आज मेरा चयन LIC ADO के पद पर दिल्ली डिवीज़न से हो गया। मैं एक बार फिर अपनी पूरी जो सफलता का श्रेय ढींगड़ा क्लासेस को देना चाहूँगा, जिसकी मार्गदर्शन से मुझे आज ये सफलता मिली है। हमेशा अपना मैं ये अंत में ये एक और बात कहूँगा कि हमेशा अपना हौसला बनाए रखें और विश्वास रखें अपने आप पर कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं एक दिन ज़रूर लगूँगा। और अनेक कठिनाइयाँ अपनी ज़िंदगी में आती हैं, अनेक तरह की चुनौतियाँ आती हैं, वो सब मैंने देखी और बिल्कुल उनका सामना करते हुए एक कंसंट्रेट करके अपने आप को कि हाँ मुझे करना है तो मैं करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कभी भी है, भगवान हमेशा साथ देता है। जब हमारा समय सही आता है तो हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, विश्वास रखना चाहिए और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस अंत में मैं फिर से पवन सर पुनीत सर और पूरी धींगड़ा क्लासेस को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।